हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास का हम इंडोक्राइन फंक्शन और उसका पैंक्रियाटिक आइलेट्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पैंक्रियास होता है वो हमारा एक नैरो ऑर्गन है और वो हमारे स्टमक के बिहाइंड और हमारे स्पाइन के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। हमारा जो गॉल ब्लैडर है, लीवर और स्प्लीन है वो पैंक्रियास के हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियास के दो पार्ट्स होते हैं, इसका हेड रीजन और इसकी टेल। जो इसका हेड रीजन होता है वो हमारी बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है और इसका जो टेल रीजन होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है ड्यूडेनम, पैंक्रियास उसके साथ में प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास जो होता है वो हमारा एक मिक्स्ड ग्लैंड है। अब ये मिक्स्ड ग्लैंड कैसे है? पैंक्रियास सिर्फ इंडोक्राइन फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं करता है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है सबस्टेंसेस जो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। ये सबस्टेंसेस हमारे होते हैं एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियास का वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस करते हैं और इस पार्ट को कहते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी। अब बात करते हैं इंडोक्राइन पार्ट की। जो इंडोक्राइन पार्ट होता है हमारे पैंक्रियास का वो हमारे सिक्रेट करता है और रिलीज करता है हमारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स वो डायरेक्टली हमारे रिलीज कर देता है ब्लड स्ट्रीम में। पैंक्रियास का जो इंडोक्राइन कंपोनेंट है वो हमारे कई आइलेट सेल से बना होता है और इस पार्ट को कहते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास में 1 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों कहते हैं? एक जर्मन फिजिशियन थे, पॉल लैंगरहैंस। उन्होंने फर्स्ट टाइम 1869 में इंडोक्राइन पार्ट को पैंक्रियास के डिस्क्राइब किया था। उन्हीं के नाम के बेस पे इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब लैंगरहैंस की हम हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। सो हिस्टोलॉजिकली जो आइलेट्स होते हैं उसमें 3 मेजर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो बीटा सेल्स होती है वो हमारा सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है हमारे इंसुलिन को। एक आइलेट का टिपिकली 60% सेल्स जो होती हैं वो हमारी बीटा सेल्स होती है। हमारी जो अल्फा सेल्स होती हैं वो हमारा सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है हमारा हार्मोन ग्लूकागॉन। और एक नॉर्मल आइलेट का 30% सेल्स जो होती है वो हमारी अल्फा सेल्स होती है। इसी तरीके से जो डेल्टा सेल्स है वो हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करती है सोमेटोस्टेटिन। डेल्टा सेल्स बहुत कम अमाउंट में हमारे प्रेजेंट होती हैं एज कंपेयर टू बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। अब इस तरीके से हम देख लेंगे एक पैंक्रियास है। ये जो आपको बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू, डार्क ब्लू और पर्पल कलर का, ये हमारा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें ये जो ब्लू कलर की सेल्स है ये हमारी है बीटा सेल्स, ये जो डार्क ब्लू कलर की सेल्स है ये हमारी है अल्फा सेल्स, और ये जो पर्पल कलर की सेल्स है ये हमारी है डेल्टा सेल्स। इसके चारों तरफ आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये हमारा है एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियास का और ये इसको बोलते हैं हम पैंक्रियाटिक एसिनी। सो अब हम देखते हैं पैंक्रियास के हॉर्मोन्स। पहले हम बात करेंगे ग्लूकागॉन की। सो जो हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स होती है वो हमारे सिक्रेट करती है ग्लूकागॉन। फिर ग्लूकागॉन हमारा एक्ट करता है GPCR सिग्नलिंग की हेल्प से। ग्लूकागॉन हमारा एक सिंपल अनब्रांच पेप्टाइड होता है जिसमें की 29 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये हमारा सिंथेसिस हो जाता है ये हमारा पैक हो जाता है और स्टोर हो जाता है एक मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स में जिसको बोलते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स। फिर ये सीक्रेटरी वेसिकल्स हमारे रिलीज हो जाते हैं एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से। अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? सो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हमारी सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो हमारा फ्यूज हो जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर क्या होगा, जो वेसिकल्स के कंटेंट होंगे वो हमारे डिस्चार्ज हो जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। इस तरीके से हमारा ग्लूकागॉन जो कि हमारा सिंथेसिस होता है अल्फा सेल्स में वो हमारा रिलीज हो जाता है ब्लड में। फिर ब्लड से की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट होगा अपने टारगेट टिश्यूज पे, वहां पे ये एक्ट करेगा थ्रू GPCR सिग्नलिंग। जो ग्लूकागॉन हमारा ब्लड में सर्कुलेट करता है वो किसी भी कैरियर प्रोटीन से बाइंड नहीं करता है और उसकी ब्लड में जो हाफ लाइफ होती है अबाउट 5 मिनट्स। अब हम ग्लूकागॉन का डिग्रेडेशन देखते हैं। सो जो 25% हमारा ग्लूकागॉन डिस्ट्रॉय होता है वो कब हो जाता है, जब वो पास हो रहा होता है थ्रू दी लीवर। किडनी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्लूकागॉन के डिग्रेडेशन में।
कुछ अमाउंट जो होता है हमारा सर्कुलेटिंग ग्लूकागॉन का, उसको हमारा डिस्ट्रॉय करते हैं हमारा प्लाज्मा पेप्टिडेसिस। पेप्टिडेसिस जो होते हैं ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा ब्रेक करते हैं हमारे प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में और पेप्टाइड्स को इनटू अमीनो एसिड्स। अब देखते हैं हमारा ग्लूकागॉन का फिजियोलॉजिकल एक्शन। सो जो ग्लूकागॉन होता है उसका मेन रोल होता है वो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। वो ये सब करता कैसे है? सो जो ग्लूकागॉन होता है वो हमारे हेपेटिक प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, हमारे ग्लूकोज के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और कुछ हद तक वो हमारे कीटोन बॉडीज के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। जो कीटोन बॉडीज होती है वो हमारे ड्राइव्ड होती है फैटी एसिड से। ग्लूकागॉन हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो हमारे ग्लूकोज को रिलीज कर दे ब्लड में। इस तरीके से जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज जो लीवर से हमारा रिलीज होता है ब्लड में वो ऑप्टेन कहाँ से होता है? सो जो हमारे लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और या फिर हमारा ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाता है। जितनी भी हमारी ग्लूकागॉन की एक्टिविटीज होती है उनको हमारा साइक्लिक एएमपी परफॉर्म करता है, यानी कि ग्लूकागॉन जो हमारा वर्क करता है वो करता है हमारे सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से। साइक्लिक एएमपी का क्या होता है, ये हमारा एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स में उनका फॉस्फोराइलेशन कर देता है। फॉस्फोराइलेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि फॉस्फेट का एडिशन होता है, जिस वजह से या तो उस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या फिर उस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या करता है साइक्लिक एएमपी, ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारे टारगेट जीन्स का वो बढ़ जाता है। तो अब हम देखते हैं ग्लूकोज का प्रोडक्शन। तो जो हमारा हार्मोन ग्लूकागॉन है वो हमारी हेपेटिक सेल्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और ये ग्लूकोज फिर हमारा रिलीज हो जाता है लीवर से ब्लड में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें कि ग्लाइकोजन जो हमारा लीवर में स्टोर है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बना देता है ग्लूकोज वन फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारा बनता है लीवर की सेल्स में, देन ये रिलीज हो जाता है हमारा ब्लड में। इसी तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स होते हैं जैसे कि हमारा लैक्टेट, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो हमारा प्रोड्यूस कर देते हैं ग्लूकोज। इस तरीके से इन दोनों ही प्रोसेस से जो हमारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और वो हमारा बढ़ा देते हैं हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। दूसरा क्या करता है हमारा जो ग्लूकागॉन है वो हमारा लिपोलाइसिस भी बढ़ा देता है और वो फैटी एसिड का मूवमेंट भी बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, जो हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड में जो कीटो एसिड्स है उनका लेवल भी बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं लिपोलाइसिस क्या होता है। लिपोलाइसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है लिपिड्स का। लिपिड्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। जब लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो बना देते हैं हमारे ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। लिपिड का जो ब्रेकडाउन होता है वो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से होता है। ये जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है, अब इनको रेगुलेट कैसे होता है ये? सो जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है ग्लूकागॉन उनको मॉडिफाई कर देता है, या तो वो उनका फॉस्फोराइलेशन कर देगा या वो कोफैक्टर्स को ऐड कर देगा या वो उनका डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। इस तरीके से वो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाएगा और हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। दूसरा वो क्या करेगा, जो एंजाइम की सिंथेसिस का रेट होता है या तो वो उनको इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा। इस तरीके से वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट होता है उनको वो मॉडिफाई करता है। ये दोनों ही फैक्टर्स हमारे रेगुलेट कर देंगे हमारे ग्लूकोज के प्रोडक्शन को। अब हम देख लेते हैं हमारे ग्लूकागॉन सिक्रेशन का रेगुलेशन। सो हमारे ब्लड की जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ग्लूकागॉन के सिक्रेशन में। सपोज अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 200 mg/dL से ज्यादा हो जाती है तब ये जो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन है हमारा ये कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 50 mg/dL से कम हो जाती है तब ये हमारा ग्लूकागॉन का सिक्रेशन जो है वो हमारा बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर जो है वो है हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती है हमारी वो भी हमारी रिस्पॉन्ड कर सकती है अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। सपोज अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तब ये अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का सिक्रेशन बढ़ा देगी। इसी तरीके से अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब ये अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का सिक्रेशन कम कर देगी।
अब नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है वो है हमारा इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारा रिलीज होता है एडजेसेंट बीटा सेल से। दोनों ही हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं या मॉनिटर करते हैं। जब हमारे बॉडी में हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन होती है यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसुलिन हमारा ग्लूकागॉन का सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। इसी तरीके से जब हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन होती है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तब इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्लाइन हो जाता है और ये ट्रिगर कर देता है हमारे ग्लूकागॉन के रिलीज को। सपोज अगर एक इंडिविजुअल है वो सफर कर रहा है हमारे इंसुलिन की डेफिशिएंसी से तब उसका जो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन है वो भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन इनहिबिट होने की जगह और ज्यादा एलिवेट हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन है तो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन ट्रिगर होने की बजाय और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन हमारी तब होगी ग्लूकागॉन की सिक्रेशन में जब हमारे इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। सो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अमाइनो एसिड, एसिटिल कोलीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड एंड कोलसाइटोकाइनिन, ये सारे ही फैक्टर हमारे अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। अगर हमारे ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल है, इंसुलिन है, सोमेटोस्टेटिन, कीटोन्स, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये सारे हमारे इनहिबिट करेंगे हमारे अल्फा सेल्स को तो हमारे ग्लूकागॉन का जो सिक्रेशन है वो हमारा इनहिबिट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ग्लूकागॉन का सिक्रेशन रेगुलेट होता है। अब बात करते हैं पैंक्रियास के नेक्स्ट हार्मोन की जो कि हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन हार्मोन है जिसमें कि 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 अनब्रांच पेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में जॉइंड होती हैं और वो बना देती है हमारी 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इंसुलिन हमारी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन की बीटा सेल्स होती हैं उनमें स्टोर होता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में जो कि एक सिंगल चेन मॉलिक्यूल है। ये स्टोर होते हैं एक सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में। सो जब हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन होती है तब हमारा बीटा सेल ट्रिगर होता है और वो इस सिंगल चेन प्रो इंसुलिन को हमारा कन्वर्ट कर देता है हमारे मैच्योर इंसुलिन में। इसी तरीके से जब हमारे इंसुलिन की हाइपर सिक्रेशन हो जाती है तो एक स्टोरेज ग्रेन्यूल प्रोटीन एमाइलिन कंट्रीब्यूट करता है एमाइलॉइड को। एमाइलॉइड क्या करता है, ये बीटा सेल के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है और इंसुलिन का सिक्रेशन रुक जाता है। अब हम देख लेते हैं इंसुलिन का डिग्रेडेशन। तो जो इंसुलिन हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है उसकी हाफ लाइफ होती है हमारी 4 to 6 मिनट्स की। फर्स्ट स्टेप जो होता है इंसुलिन के डिग्रेडेशन में वो होता है रिसेप्टर मीडिएटेड इंटरनलाइजेशन बाय इंडोसोमिक मैकेनिज्म। जो इसकी इंसुलिन की डिग्रेडेशन की प्रिंसिपल साइट होती है वो होता है हमारा लीवर। इंसुलिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन। सो जो इंसुलिन होता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में कि जो हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये उसको लोअर कर देता है। ये हमारी बॉडी का इकलौता ऐसा हार्मोन है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है जो फूड से हम ड्राइव करते हैं उसके स्टोरेज को ये प्रमोट करता है। ये केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है ग्लाइकोजन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की फॉर्म में। तीसरा ये क्या करता है, ये जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि ग्लाइकोजन प्रोटीन्स लिपिड्स इनकी मोबिलाइजेशन और मूवमेंट को ये सप्रेस कर देता है। इंसुलिन के जो टारगेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में वो होते हैं हमारे लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू। ये 3 ऑर्गन्स हमारे स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारी एनर्जी के स्टोरेज में। इंसुलिन का हम प्रिंसिपल इफेक्ट्स देख लेते हैं कि जो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं इनको ये परफॉर्म कैसे करता है। सो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टिमुलेट कर देता है हमारे स्केलेटन मसल्स में, लीवर में एंड एडिपोज टिश्यू में। ये इंक्रीज कर देता है हमारे हेपेटिक ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन को और डिक्रीज कर देता है हमारे ग्लूकोज के डीफॉस्फोराइलेशन को। सो इससे क्या होता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से ये इंक्रीज कर देता है हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को यानी कि हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को जो कि कहलाता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। चौथा ये क्या करता है, ये जो लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको ये डिक्रीज कर देता है। सो अब देखते हैं इंसुलिन सिक्रेशन का रेगुलेशन। सो इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना।
सेकंड, ये जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है जो हमने फूड से ड्राइव की होती है उसके स्टोरेज को भी प्रमोट करता है, और ये स्टोर होती है फिर ग्लाइकोजन, लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्म में। सो सपोज अगर ब्लड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स और कीटोन्स का लेवल बढ़ जाएगा तो ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगी कि वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा दे। इसी तरीके से एसिटिल कोलिन, वीआईपी जो कि एक न्यूरोपेप्टाइड है, जीआईपी जो कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड है, ये भी हमारे बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा दे। अब ग्लूकागॉन कैसे रेगुलेट करता है हमारे इंसुलिन का सिक्रेशन? सो सपोज अगर ग्लूकागॉन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तब हमारा बीटा सेल स्टिमुलेट होगा, वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देगा। इसी तरीके से जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड होंगे वो भी हमारे बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए। अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं वो होते हैं प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। इसी तरीके से सोमैटोस्टेटिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, लेप्टिन एंड IGF-1 ये हमारे बीटा सेल्स को इनहिबिट कर देते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए। अब देखते हैं ग्लूकोज कैसे ट्रिगर करता है हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को। सपोज ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारा कम है 100 mg/dL से, ऐसी स्टेज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में रहती हैं। इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज हमारी सेल्स में एंटर करेगा वो कम अमाउंट में करेगा और उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो भी कम होगा, जिससे जो ADP/ATP का रेशियो होगा वो हमारा हाई इनफ रहेगा। जब ADP और ATP का रेशियो हाई होगा तो जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होंगे वो हमारे ओपन रहेंगे। इसी तरीके से जो हमारे वोल्टेज सेंसिटिव VSCC चैनल्स है यानी कि कैल्शियम चैनल्स है, और कैल्शियम सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स है यानी कि CSKC, ये दोनों हमारे चैनल्स क्लोज रहेंगे। तो कैल्शियम हमारी सेल्स में एंटर नहीं करेगा और वो हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। अब आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाएगा तो इसकी सेल में एंट्री बढ़ जाएगी, इसी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और ADP/ATP का जो रेशियो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो जो हमारे ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स है ये हमारे क्लोज हो जाएंगे और हमारे जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब VSCC एक्टिवेट होंगे तो ये कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी सेल्स में और ये हमारे स्टिमुलेट कर देगा हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को। इस तरीके से हमारा ग्लूकोज ट्रिगर करता है हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को। सब हम देख लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म हमारे ग्लूकागॉन और इंसुलिन का। पहले हम बात करेंगे इंसुलिन की। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशन में जो हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है। फिर इंसुलिन हमारे टिश्यूज में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है। ये कैसे करता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि GLUT4। GLUT4 एक इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज का, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है हमारे ब्लड से सेल में। दूसरा ये क्या करता है, ये लीवर और मसल में ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे स्टोर हो जाते हैं। इसी तरीके से ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। इसी तरीके से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी डिक्रीज कर देते हैं और सो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है। अब अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा यानी कि हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, तभी एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हमारी बीटा सेल्स को एंड वो इंसुलिन का सिक्रेशन हमारा इनहिबिट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे इंसुलिन का फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे ग्लूकागॉन का फीडबैक मैकेनिज्म। सो जब हमारे ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा हमारे ब्लड में, तब जो हमारी पैंक्रियास की अल्फा सेल्स होंगी वो स्टिमुलेट हो जाएंगी एंड वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन बढ़ा देंगी। फिर ग्लूकागॉन लीवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों की प्रोसेस बढ़ा देगा। इसी तरीके से वो एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस बढ़ा देगा और प्लाज्मा फैटी एसिड्स का लेवल भी बढ़ा देगा। ये दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए। फिर जब हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तभी एक निगेटिव फीडबैक भेजेंगे हमारी अल्फा सेल्स को, देन वो अपना ग्लूकागॉन का सिक्रेशन रोक देंगे। इस तरीके से ये हमारा ग्लूकागॉन का फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स की।
सो सपोज अगर ग्लूकागॉन और इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तब क्या सिचुएशन आएगी? अगर ग्लूकागॉन का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तब हमें हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कंडीशन हमारी कहलाती है डायबिटीज मेलिटस। दूसरा, अगर हमारे इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो हमें हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि लो ब्लड शुगर। अब अगर हमारे हॉर्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, यानी कि वो सही अमाउंट में हमारे सिक्रेट नहीं होंगे, तब क्या होगा? अगर ग्लूकागॉन का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो वो हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन क्रिएट कर देगा, यानी कि लो ब्लड शुगर। अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो वो हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन को क्रिएट कर देगा, जो कि होता है हमारा हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज मेलिटस। अब हम इंसुलिन डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हाइपरग्लिसीमिया। ये कंडीशन हमें तब देखने को मिलेगी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा एक्सीड कर जाएगा 300 टू 400 mg पर डीएल। ग्लाइकोसूरिया, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होने लग जाता है हमारे यूरिन में, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड कर जाता है 180 mg डीएल। पॉलीयूरिया, इसमें यूरिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाता है। पॉलीडिप्सिया, इसमें थर्स्ट हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पॉलीफेजिया, ये हमारे एपेटाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लास्ट जो हमारा इफेक्ट है वो है वेट लॉस। डायबिटीज मेलिटस, जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में हमें डायबिटीज मेलिटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस तब होती है जब पैंक्रियाज सफिशियंट अमाउंट में हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी कि जो बीटा सेल्स होती है पैंक्रियाज की वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए वो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो जनरली यंग एज में होती है और इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इसकी जो थेरेपी है वो है इंसुलिन इंजेक्शंस। टाइप 2 डायबिटीज में अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो सफिशियंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सफिशियंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो हमारी बॉडी है वो इस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी इंसुलिन के रिसेप्टर्स है वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, या वो हमारे इंसुलिन से बाइंड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपना रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते। ये डायबिटीज हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो जनरली ओल्डर एज में होती है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं दोनों ही डायबिटीज का। इसके सिम्टम्स है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट, एक्सट्रीम हंगर, अनइंटेंशनल वेट लॉस, फैटीग, ब्लरी विजन, सोर्स और वुंड्स दैट हील स्लोली, एंड नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। दोनों ही डायबिटीज हमारी लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से, ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग से, या फिर स्ट्रेस को मैनेज करके। सो अब हम देखते हैं इंसुलिन का बायोसिंथेसिस। सो जब इंसुलिन फर्स्ट सिक्रेट होता है तो वो एज अ प्री प्रो हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि हमारा कहलाता है प्री प्रो इंसुलिन। ये हमारा सिक्रेट होता है राइबोसोम्स में। इसमें 110 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। फिर ये जो प्री प्रो इंसुलिन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रो इंसुलिन में। ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये इसके क्लीव्ड हो जाते हैं, और इसको क्लीव कौन करता है, प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के ब्रेकडाउन के लिए। फिर ये प्री प्रो इंसुलिन जब हमारा प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रो इंसुलिन हमारा स्टोर हो जाता है पैंक्रियास की बीटा सेल्स में। ये प्रो इंसुलिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसमें 86 अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर जब हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन होती है या बीटा सेल ट्रिगर होती है किसी स्टिमुली से, तब ये प्रो इंसुलिन हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा इंसुलिन में। अब ये कैसे होता है, ये जो सी पेप्टाइड्स है इसकी चैन सी, ये क्लीव हो जाएगी एंड देन रिलीज हो जाएगी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। इस तरीके से हमारा ये इंसुलिन का बायोसिंथेसिस हो जाता है। अब हम देखते हैं ग्लूकागॉन का बायोसिंथेसिस। तो जो ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है वो भी एज अ प्रो हार्मोन सिक्रेट होता है। ये हमारा सिक्रेट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अल्फा आइलेट सेल्स में। इसमें 160 अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो हमारा प्रो हार्मोन बना, ये क्लीव्ड हो जाएगा 4 पेप्टाइड्स में, जिसमें कि हमारा ग्लूकागॉन भी प्रेजेंट होगा, जिसमें 29 अमीनो एसिड्स होते हैं।
फिर ये ग्लूकागॉन जो है वो हमारा पैक हो जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंड देन स्टोर हो जाएगा वो एक सीक्रेटरी वेसिकल्स में। और ये कहाँ स्टोर होता है? ये हमारी अल्फा सेल्स के साइटोप्लाज्म में सीक्रेट हो जाता है। अब ये कब रिलीज होगा? ये तब रिलीज होता है जब हमारा कोई स्टिमुलस इसको मिलता है, जैसे कि हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्लूकागॉन है, ये हमारा आईलेट्स में यह क्लीव हुआ और इसने फोर पेप्टाइड्स बना दे जिसमें कि हमारा ग्लूकागॉन प्रेजेंट है। फिर ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैक हो जाएगा एंड देन सीक्रेटरी वेसिकल्स में ये स्टोर हो जाएगा हमारी अल्फा सेल्स के साइटोप्लाज्म में। ये हमारा हो गया इंसुलिन और ग्लूकागॉन का बायोसिंथेसिस। अब मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। इंसुलिन हमारा प्रोटीनेशियस हार्मोन है एंड ग्लूकागॉन हमारा पेप्टाइड हार्मोन है। दोनों के ही रिसेप्टर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, सो वो हमारी मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, इसी वजह से उनके रिसेप्टर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, देन ये ट्रिगर कर देंगे कैस्केड रिएक्शन जिसको मीडिएट करते हैं हमारे केमिकल्स जो कि होते हैं हमारे सेकेंड मैसेंजर्स। तो ये जो फंक्शन करते हैं ये सेकेंड मैसेंजर की हेल्प से करते हैं। इंसुलिन जो एक्ट करता है वो आरटीके पाथवे से करता है, यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के पाथवे से, और ये बाइंड करता है अल्फा यूनिट से अपने रिसेप्टर की। इसी तरीके से जो ग्लूकागॉन है वो एक्ट करता है जीपीसीआर सिग्नलिंग की हेल्प से। अब ये फंक्शन कैसे करता है सेकेंड मैसेंजर की हेल्प से? तो ये जो हॉर्मोन है ये यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, ये हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर ये सेकेंड मैसेंजर क्या करेगा? ये जाके इनिशिएट कर देगा सेलुलर एक्टिविटी को, यानी कि जीन को एक्टिवेट कर देगा, वो अपना सेलुलर रिस्पॉन्स दे देगा। इस तरीके से ये हॉर्मोन्स हमारे एक्शन करते हैं। अब लास्ट हॉर्मोन जो है हमारे पेंक्रियास का वो है सोमेटोस्टेटिन। इसको जो सिक्रेट करती है वो करती है डी सेल्स आईलेट्स की। इनका जो एक्शन होता है ये क्या करते हैं, ये हमारी जो बीटा और अल्फा सेल्स है उनको इनहिबिट कर देती है ताकि वो अपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन रोक दे। हार्मोन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी भी रिलीज करती है जो कि हमारे ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। सो हमारे पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।